किसान मजदूरों के दुश्मन है मोदी सरकार, कल भारत बंद सफल करे माले। तारांकन, बंद की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर जारी। तारांकन, कल होने वाले भारत बंद की तैयारी को लेकर भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठकों का जारी है। आज सुबह शहर के समीप मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत परसाटोल में किसान मजदूरों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कल के बंद को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अगुवाई गणेश मंडल, अशोक मंडल तथा अशोक कुमार तुरी ने करते हुए लोगों को तीनों काले कृषि कानूनों के बारे में बताया तथा इसके खिलाफ कल के देशव्यापी बंद को सफल करने की अपील की। वहीं बैठक में से मौजूद भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार कंपनियों की सरकार है और उसका एकमात्र लक्ष्य देश की सार्वजनिक संपत्तियों को कंपनियों के हवाले कर देने का है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र के लिए तीनों काले कानून लाए गए हैं, जिसके जरिए किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देने का साजिश रची गई है। श्री यादव ने कहा कि देश के किसान इन काले कानूनों को नहीं चाहते, वे चाहते हैं उनकी खेती बाड़ी को बढ़ावा मिले और उपज का सही दाम भी। किसान इसके लिए एमएसपी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कहा कि 10 महीने से जारी किसानों की लड़ाई में सैकड़ों किसान अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन कॉर्पोरेट परस्त मोदी सरकार का इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने लोगों से कल के बंद को समर्थन देने की अपील की और कहा कि तीनों काले कानूनों की वापसी तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आज की बैठक में अन्य लोगों के अलावा अशोक मंडल, गणेश मंडल, ईश्वर गोप, अर्जुन शर्मा, किशोर मंडल, नागेश्वर शर्मा, शंकर मंडल, विकास यादव, चंदन राणा, शंकर शर्मा, अरुण मंडल, उमा शंकर राणा, शिव शंकर शर्मा, सुनील मंडल, बाबूलाल राणा सहित अन्य ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। अभी यहाँ गिरिडीह शहर के नजदीक मोतीलेदा पंचायत के परसा टोल में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों, रोज कमाने खाने वाले व्यक्तियों, मजदूरों की एक बैठक हुई है और इस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 महीने पहले जो कृषि क्षेत्र के तीनों काले कानून लाए हैं, जिन कानूनों का देश के करोड़ों किसान विरोध कर रहे हैं, जिन कानूनों का देश के करोड़ों मजदूर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे कानून को बनाए रखने का, उनको थोपने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन चूंकि मोदी सरकार शुरू से ही, सरकार गठन के बाद से ही ये कारपोरेट कंपनियों के लिए काम कर रही है, एक एक करके देश के सार्वजनिक संपत्ति को बेचा जा रहा है, भारतीय रेल से लेकर के तमाम तरह के जो पब्लिक सेक्टर थे उनको कंपनी के हवाले या तो कर दिया गया है या तो हवाले कर दिए जाने की साजिश है, और अब इन्होंने देश के करोड़ों किसानों के पूरी संपत्ति, खेती किसानी, ये सबको कंपनियों के हवाले करके और आम जनता के को कंपनियों के रहमो करम पर जिंदा रहना के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं। तो इसलिए जो किसान दिल्ली में लड़ रहे हैं और उन्होंने कल जब भारत बंद का कॉल किया है, तो उनके समर्थन में जो किसान दिल्ली जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वे भी अपने अपने इलाके में, अपने कस्बे में, अपने जिले मुख्यालयों में उतर करके कल पूरे बंद का समर्थन करेंगे। यहाँ भी अभी निर्णय लिया गया है, कल पूरे तादाद में लोग यहाँ से गिरिडीह जाएंगे और हम लोग शहर बंद कराने की अपील करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं मोदी सरकार से कि जब देश के करोड़ों किसान ये कानून नहीं चाह रहे हैं, तो आपको तत्काल इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। बल्कि जो आपने कानून ला करके किसानों को ठगने का काम किया है, किसानों की मांग है कि उनकी उपज का सही दाम मिले, जिस तरह से एमआरपी होता है उसी तरह एमएसपी लागू किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। हम लोग अपने इलाके में देखते हैं कि जो लोग सरकारी पैक्स में धान बेचते हैं उनको सही कीमत मिलती है, लेकिन पैक्सों में किसानों का सारा धान खरीदा नहीं जाता, वो कहते हैं कि अब इसके बाद धान हम खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि किसानों का भी फसल का, उपज का एक सही दाम होना चाहिए, ताकि किसान उस कीमत पर अपना धान बेच करके और अपना आर्थिक समृद्धि कर सके। लेकिन किसानों को बरगलाने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अपना धान चाहे जहां बेचिए, अगर आपको सरकारी रेट से भी कहीं अगर अधिक मिलता है तो आप वहां बेचिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने की साजिश है। किसान नहीं चाहते इन कानूनों को, इसलिए तत्काल इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसी मांग को लेकर के ये मीटिंग हुई है। कल भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, कल पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, गिरिडीह जिला भी बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, कंपनी की दलाली करने वाला मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, छीनने का साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसानों का जमीन छीनने का साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खेती किसानी पर कंपनी राज थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो, खेती किसानी पर कंपनी राज थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पूरा भारत बंद रहेगा।